स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यानी कि हिंदी ग्रामर में संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, वही संज्ञा है जिसको आप लोगों ने बचपन में याद किया होगा। द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इंग्लिश में, और हिंदी में याद किए होंगे आप लोग किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या फिर किसी भी भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। इसी चीज़ को आप लोग बचपन में याद किए होंगे ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले इस संज्ञा को, अब आप लोग बचपन में इसको याद किए थे, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आप मैट्रिक में हो, इंटर में हो या फिर किसी भी कम्पिटिटिव या इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप लोगों को अब यहाँ पर संज्ञा को पढ़ना है और संज्ञा के अलग अलग टाइप को पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल इस टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम मैं बोली हूँ, यानी कि इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ही लाजवाब होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर कोई भी उठाकर पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है, कौन समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, या फिर कोई भी एक शब्द दे देगा और बोलेगा कि ये शब्द जो है ना, इसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है कि द्रव्यवाचक है कि समूहवाचक है, ठीक है ना। या फिर कोई एक सेंटेंस दे सकता है वाक्य और उसमें बोलेगा कि बताइए इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है। तो इस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं सभी टॉपिक के ऊपर आज के इस वीडियो में एकदम विस्तार से डिस्कस होने वाला है। हर एक टाइप को एकदम बेहतरीन ढंग से हम लोग समझेंगे। संज्ञा के अलग अलग प्रकारों को समझ लेने के बाद एकदम ज़बरदस्त ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊँगी याद रखने का। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं कि वीडियो के एंड होते होते, मतलब इंड तक आप लोग पहुँचते इतना परिपूर्ण हो जाएंगे कि संज्ञा से एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। एकदम ज़बरदस्त तरीके से, लाजवाब तरीके से हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आप लोग को समझ में आए और अगर आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से तो आप लोग छोड़ कर नहीं आए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टार्टिंग में ही। और चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के ज़बरदस्त कंटेंट और ट्रिक मैं लेकर आती ही रहती हूँ। संज्ञा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, स्थान, जानवर या फिर किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि संज्ञा इज इक्वल टू नाम, ठीक है, संज्ञा इज इक्वल टू नाम। किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। बस हम लोग नाम जानते हैं कि हाँ इस चीज़ का नाम क्या है। नाम हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा नाम ये है, इस वस्तु का नाम ये है, इस चीज़ का नाम ये है, इस चीज़ का नाम ये है। बस नाम बराबर क्या कर दीजिए, संज्ञा। किसी भी चीज़ का नाम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। हर एक लैंग्वेज में ना, हर एक लैंग्वेज का व्याकरण पढ़ना होता है यानी कि ग्रामर पढ़ना होता है। जैसे कि उर्दू है, तो उर्दू भाषा में नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस्म। अब वो नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम उर्दू व्याकरण में यानी कि उर्दू ग्रामर के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं इस्म। उसी तरह हिंदी व्याकरण के अंतर्गत यानी कि हिंदी ग्रामर के अंदर किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाता है, तो संज्ञा कहलाता है। अब वो किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। और उसी तरह अगर इंग्लिश भाषा की बात करें तो इंग्लिश भाषा के अंतर्गत जो ग्रामर होता है ना, तो इंग्लिश ग्रामर में किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। तो आप संज्ञा को नाउन बोलिए, इस्म बोलिए या फिर नाम बोलिए, बात एक ही है। नाउन, संज्ञा या फिर इस्म इज इक्वल टू नाम, यानी कि नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, इस्म कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसका नाम क्या है, सीमा नाम है, ठीक है। तो सीमा नाम है ना, तो नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। कोई जगह मान लीजिए हो गया पटना, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ठीक है ना, तो जगह के नाम को क्या कहेंगे, संज्ञा ही कहेंगे। किसी भी जानवर का नाम संज्ञा कहलाएगा, कोई भी जानवर, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, बैल, या फिर कोई भी भाव यानी कि इमोशन, जैसे कि हंसी, खुशी, नाराजगी, ठीक है, इसको भी क्या कहेंगे, संज्ञा। संज्ञा इज इक्वल टू नाम, ठीक है। अब समझते हैं संज्ञा के जो 5 प्रकार हैं, याद रखिएगा संज्ञा के कितने टाइप है, तो 5 टाइप है। पहला जो टाइप है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब हर एक टाइप को आप लोगों को एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दोनों को एक साथ हम लोग समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड है, थोड़ा सा का अंतर है, मात्र
माइनर माइनर आप यूं कह सकते हैं, थोड़ा सा का अंतर है। जातिवाचक संज्ञा नाम से ही क्लियर है, जाति यानी कि जिस नाम से जाति का बोध होता हो, पूरी जाति का पता चले, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं बोल दी देश, जैसे कि आप लोगों को पता नहीं है कि मैं किस देश की हूँ, और सिर्फ मैं ये बोली कि हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। अब मैं सिर्फ देश बोली हूँ, आप लोगों को पता नहीं है कि मैं किस देश की हूँ। अब देश में तो सभी देश आ सकते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे देश हैं, हमारा भारत है, ठीक है ना, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, चाइना है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, तो देश में सभी देश आ सकते हैं। यानी कि एक जो शब्द है ना देश, ये जो शब्द है, ये जो नाम है देश, ये नाम देश की पूरी जाति का बोध करा रहा है। यानी कि सिर्फ देश बोलने से सभी देश इस शब्द के अंतर्गत आ जा रहा है। यानी कि देश मतलब कोई भी देश हो सकता है, देश की पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का पता चल रहा है। तो इस शब्द को क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा, जैसा कि नाम में ही लिखा है जातिवाचक, यानी जिस संज्ञा से, जिस नाम से पूरी जाति का बोध होता हो, उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक। उसी तरह व्यक्तिवाचक, बस इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, मतलब कि नाम व्यक्तिवाचक नाम को ही कहते हैं, संज्ञा को ही कहते हैं, बस वो विशेष नाम होना चाहिए। अब वो विशेष नाम, वो खास नाम किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी जगह यानी कि स्थान का भी हो सकता है, किसी भाव का भी नाम हो सकता है, या फिर किसी जानवर का भी खास नाम हो सकता है, मतलब विशेष नाम होना चाहिए, विशेष नाम को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं हमारा देश महान बोलने के बजाय अगर ये बोलूँ कि हमारा भारत देश महान है, तो अब मैं यहाँ पर एक देश का नाम ले ली, एक विशेष देश, एक खास देश का नाम ले ली, भारत, हमारा भारत देश महान है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक पार्टिकुलर, एक खास, एक विशेष देश का नाम मैं क्या ली, भारत। तो भारत देश, ये जो नाम है ना, ये जो संज्ञा है ना, इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक विशेष नाम है। देश में तो सभी देश आ जाएंगे, लेकिन मैं बात किस देश की, तो मैं भारत देश की बात की, कि हमारा भारत देश क्या है, महान है, ठीक है ना। तो ये भारत देश जो है ना, ये खास नाम है, एक विशेष नाम है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए इस YouTube चैनल पर बहुत सारे चैनल है, तो सिर्फ मैं बोली चैनल, ठीक है ना, YouTube चैनल, तो YouTube चैनल में, तो YouTube पर जितने भी चैनल है, सभी की जाति आ जाएगी, मतलब पूरी कैटेगरी आ जाएगी, YouTube सभी तरह के YouTube चैनल आ जाएंगे। लेकिन YouTube चैनल बोलने के बजाय अगर मैं ये बोलूं कि ज्ञापन एकेडमी YouTube चैनल, इट मीन्स मैं एक पार्टिकुलर, एक विशेष चैनल का नाम बताई, क्या, ज्ञापन एकेडमी, जहाँ पर मैं आप लोग को अभी पढ़ा रही हूँ। तो ये जो है ना, ये चैनल का नाम, जो कि एक विशेष नाम में आप लोग को बता दी, तो इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा किसी भी नॉर्मल साधारण नाम को कहते हैं, जिससे पूरी जाति का बोध हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोली कि ये सामान जो है ना, उस लड़की को ले जाकर दे दो, अब लड़की जो है ना, लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़की से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है ना। क्या अमेरिका की लड़की लड़की नहीं होती है, बेशक अमेरिका की भी लड़की लड़की ही होती है, रूस की भी लड़की लड़की ही होती है, ठीक है ना, पाकिस्तान की भी लड़की लड़की ही होती है, चाइना की लड़की लड़की ही होती है, भारत की लड़की लड़की ही होती है। यानी कि इस दुनिया में हर जगह लड़की है, तो सिर्फ लड़की बोलने से पूरी लड़की जाति का बोध हो रहा है। यानी कि लड़की कोई भी हो सकती है, मैं सिर्फ लड़की बोली हूँ, तो लड़की क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं लड़की के जगह एक खास नाम ले लूँ, एक विशेष नाम ले लूँ, कौन सी लड़की, तो मान लीजिए समीरा नाम की लड़की है, मैं बोली कि ये सामान जो है ना, ले जाकर समीरा को दे दो, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मैं एक खास लड़की का नाम, एक विशेष लड़की का नाम ले ली, क्या, समीरा। तो समीरा जो नाम होगा ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि विशेष नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसा नाम जो विशेष हो। अगर मैं बात करूँ नदी, सिर्फ नदी बोलूँ, तो इस दुनिया में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र नदी है, गंडक नदी है, लेकिन मैं यहाँ पर क्या लिखी हूँ, एक स्पेशल नाम लिख दी हूँ, यानी कि एक विशेष नाम लिख दी हूँ, गंगा। तो गंगा नदी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये एक विशेष नाम है, तो गंगा नदी क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। लेकिन सिर्फ नदी क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है ना। अगर मैं बोली समुद्र, तो समुद्र
में सभी समुद्र आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ हिंद महासागर की बात की हूँ, ठीक है ना। प्रशांत महासागर भी अलग अलग तरह के समुद्र है, महासागर है, लेकिन यहाँ पर मैं एक हिंद स्पेशल नाम लिखी हूँ, हिंद महासागर। तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और समुद्र क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समुद्र से समुद्र की जाति का बोध हो रहा है। लेकिन हिंद महासागर एक स्पेशल यानी कि विशेष नाम है। त्यौहार, अगर मैं बोली कि आज त्यौहार है, ठीक है ना, आज क्या है, त्यौहार का दिन है, तो आप लोग पूछेंगे कि अच्छा आज त्यौहार का दिन है, कौन सा त्यौहार है? मतलब त्यौहार में तो सभी त्यौहार आ सकते हैं, त्यौहार जितने भी फेस्टिवल होते हैं, सभी जाति आ सकती है, त्यौहार में कोई भी त्यौहार हो सकता है। तो त्यौहार, इससे पूरी जाति का पता चल रहा है, तो त्यौहार को क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर मैं आप लोग को त्यौहार का नाम अगर बता दूँ कि आज पता है, आज त्यौहार का तो दिन है, लेकिन त्यौहार में कौन सा त्यौहार है? आज स्वतंत्र दिवस है। तो एक खास नाम मैं बता दी, एक त्यौहार का खास नाम बता दी, ठीक है ना, स्वतंत्र दिवस, ठीक है ना। तो ये एक स्पेशल नाम हो गया, यानी कि विशेष नाम हो गया। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों में अंतर एकदम बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। उसी तरह गाय, देखिए गाय एक जानवर का नाम है। गाय, क्या इंडिया की गाय गाय नहीं होती है? क्या पाकिस्तान की गाय गाय नहीं होती है? क्या चाइना की गाय गाय नहीं होती है? क्या अमेरिका की गाय गाय नहीं होती है? इस दुनिया में सभी जगह जानवर है, गाय भी है, ठीक है ना। तो गाय कहीं की भी हो, गाय तो गाय होती है ना, यानी कि गाय शब्द बोलने से गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो गाय ये जो शब्द है ना, इसको क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आप अपनी गाय का एक स्पेशल नाम रख लेते हैं, मान लीजिए चंपा रख देते हैं, चमेली रख देते हैं, ठीक है, शीला रख देते हैं, या फिर कुछ भी रख देते हैं, तो वो स्पेशल नाम कहलाएगा। कि यानी कि आप अपने गाय का एक स्पेशल नाम रख दिए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। मतलब एक पार्टिकुलर आपने अपनी गाय का नाम रख दिया है, ठीक है ना। गाय में तो सभी गाय आ जाएंगी, लेकिन आपने एक विशेष नाम क्या दिया है अपनी गाय को, तो वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह आम है, आम से पूरी, आम कहीं का भी आम हो, आम आम ही ना होता है, तो आम से पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो आम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा है। चावल, ये भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आ गया। अब समझते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, इसको कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमन नाउन, क्योंकि एक कॉमन नाम है ना, साधारण सा नाम है जिसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, क्योंकि एक विशेष नाम है। और उर्दू में भी बता दूं, देखिए जातिवाचक संज्ञा को उर्दू में कहा जाता है इस्म नकरा, ठीक है ना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को उर्दू में कहा जाता है इस्म मारफा, ठीक है ना। संज्ञा को उर्दू में इस्म, और जातिवाचक संज्ञा को उर्दू में इस्म नकरा, और व्यक्तिवाचक संज्ञा को उर्दू में इस्म मारफा, ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर है, भाव। भाववाचक संज्ञा वैसी संज्ञा को कहते हैं जिसको हम अनुभव तो कर सकते हैं, देखिए अनुभव यानी कि महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन देख या फिर छू नहीं सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि मैं बोली कि मित्रता, दो मित्र हैं, दो दोस्त हैं। अब दो दोस्त को तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उनकी मित्रता यानी कि दोस्ती क्या आप लोग देख सकते हैं? क्या आप लोग छू सकते हैं दोस्ती को, मित्रता को? नहीं छू सकते हैं ना, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मित्रता को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, मतलब भाव, ठीक है, जिसको अनुभव किया जा सके, देखा ना जा सके और ना ही छुआ जा सके, उसको क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा, याद रखना है। उसी तरह चतुराई, ठीक है ना, क्या आप लोग चतुराई को देख सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए ये देखिए यहाँ पर मैं अनुभव लिख भी दी हूँ। इसमें पॉइंट याद रखना है जाति, इसमें याद रखना है विशेष, और भाववाचक में याद रखना है अनुभव, मतलब जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सके। चतुराई को सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं, तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है ना, इसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। क्या आप लोग बुढ़ापा देख सकते हैं? हाँ, व्यक्ति को देख सकते हैं कि हाँ व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। तो ये आप लोग अनुभव करके ही ना बताते हैं कि हाँ व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। क्या आप लोग बुढ़ापा को देख पाते हैं या फिर छू पाते हैं? नहीं। तो बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। उसी तरह लंबाई, लंबाई को आप लोग ना ही देख सकते और ना ही छू सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? लंबाई को क्या कहेंगे? भाववाचक। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है ना, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ठीक है ना। उसी तरह पढ़ाई हो गया, पढ़ाई को भी आप लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं पढ़ाई को, ठीक है ना। धूप हो गया, सुस्ती हो गया, सुस्त पड़ा रहता है आदमी,
ठीक है ना। तो सुस्ती को आप लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि देखो कितना सुस्त पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, मिठास, तितास, खटास वगैरह, ये सभी चीज़ें जो सिर्फ अनुभव किया जा सके उसको क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा को आप लोगों ने बचपन में याद किया होगा, आपके टीचर छोटे जब आप लोग थे तो याद करवाए होंगे, जिसे मापा तोला जा सके उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अभी आप लोग बड़े हो चुके हैं ना, तो अभी आप लोगों का सोच भी बड़ा हो चुका है, तो बच्चों वाला डिफिनेशन तो चलेगा नहीं, और बड़े लेवल का एग्ज़ाम भी देना है आप लोगों को। तो अब हम लोग समझते हैं कि वाकई में द्रव्यवाचक किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर है क्या, ठीक है ना। तो देखिए नाम नहीं है द्रव्य, द्रव्यवाचक संज्ञा उस संज्ञा या फिर उस नाम को कहते हैं जिससे द्रव्य यानी कि पदार्थ, अब पदार्थ की ठोस अवस्था भी हो सकती है, गैसीय अवस्था भी हो सकती है, फिर द्रव अवस्था भी हो सकती है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे ना, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है ना। तो पदार्थ की चाहे ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या फिर गैसीय अवस्था हो, उसी को तो क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा, लोहा ठोस यानी कि सॉलिड है, सोना, चांदी, ये सब क्या है, सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो इनको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर पानी की बात करें तो पानी और दूध, ये क्या है, ये लिक्विड यानी कि द्रव है। देखिए द्रव और द्रव्य में फर्क होता है, द्रव का मतलब लिक्विड, और यहाँ पर जो द्रव्य है ना, द्रव्य मतलब पदार्थ, मतलब पदार्थ, अब ठोस, द्रव, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वही बोला जा रहा है कि पानी, दूध, ये सब क्या है, द्रव है, तो इनको भी क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। या फिर कोई भी गैस, गैस तो गैसीय अवस्था में ही होती है, तो कोई भी गैस क्या कहलाएगा, द्रव अवस्था, चाहे कोई धातु हो, अधातु हो, कुछ भी, मतलब पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, मतलब कोई भी अवस्था, क्या क्या तीन अवस्थाओं को छोड़कर चौथी अवस्था भी होती है, तो बेशक होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है। चलिए इसी बात पर मैं आप लोगों से टेस्ट ले लेती हूँ, आप लोग केमिस्ट्री में कितना जानते हैं इसी बात पर पता चल जाता है। चलिए अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है। अब ये नहीं कि गूगल पर जाए और गूगल पर सर्च करें पदार्थ की चौथी अवस्था, उसी वहीं से कॉपी पेस्ट कर दे, मैम तो बोली है बस चौथी अवस्था का नाम लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में, लिख दो, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को याद है तभी आप लोग कमेंट में लिखकर बताएं, अगर नहीं याद है तो भी कमेंट में लिखें कि हाँ हमको नहीं याद है, और तब जाकर सर्च करें। वैसे अभी मैं आप लोगों को बता देती, लेकिन अभी मैं आप लोगों से पूछी हूँ, आप लोगों से टेस्ट ले रही हूँ, तो मुझे बताना नहीं, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, केमिस्ट्री का ज़बरदस्त सवाल, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि सोना, पानी, दूध, घी, चांदी, पीतल, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, उसको क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। एक और तरीका है, एक और ट्रिक है द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का, वो ये है कि इसको आप, इसका आप पूरा भाग लो या फिर इसका एक छोटा सा खंड लो, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे कि सोना है, यहाँ पर सोना आप 1 kg लो, 5 kg लो, 5 g लो, 10 kg लो, सोना तो सोना ही रहेगा ना, उसको सोना ही कहेंगे, नाम थोड़ा ना बदल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, मतलब इसका पूरा भाग लो या फिर छोटा सा भाग लो, नाम कोई अंतर नहीं होता है नाम में, ठीक है ना, मतलब बदलता नहीं है। सोना 1 kg लो, 5 kg लो, 10 kg लो, 5 g लो, 10 g लो, 20 g लो, सोना सोना ही रहेगा। लेकिन अगर बात किया जाए पेड़ यानी कि वृक्ष की, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोग को समझा रही हूँ, पेड़ जो होता है ना उसको अलग अलग खंडों में नहीं बांटा जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है लेकिन अलग अलग खंडों का, अलग अलग भागों का नाम है, मतलब कि या तो पेड़ जो वृक्ष होता है उसके खंडों को आप डाली कहेंगे, नहीं तो टहनी कहेंगे, नहीं तो सिल्ली कहेंगे, नहीं तो पत्ती अलग होता है, फल अलग होता है, जड़ अलग होता है, ठीक है ना। कभी ऐसा हुआ है कि आप पेड़ से फल तोड़कर लाए हों और बोलते हों, मतलब किसी व्यक्ति को देकर बोलते हों कि ये लो पेड़ खा लो, ऐसा तो नहीं हुआ है, पेड़ से फल तोड़कर लाए हैं तो फल ही बोलते हैं कि लो फल खा लो। यानी कि पेड़ को अगर अलग अलग खंडों में बांटा जा रहा है तो अलग अलग खंडों का नाम है, फल है, पत्ती है, टहनी है, डाली है, सिल्ली है, अलग अलग खंडों का नाम दे सकते हैं। लेकिन बात किया जाए सोना को, तो सोना को आप, सोना आप 1 kg लीजिए, 5 kg लीजिए, 10 kg लीजिए, कितना भी ले लीजिए, सोना सोना ही रहेगा। पानी को आप 1 kg लीजिए, 5 लीटर ले लीजिए, ठीक है ना, 10 लीटर ले लीजिए, कितना भी ले लेंगे, पानी तो पानी ही रहेगा ना, इसके अलग अलग खंडों का कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये एक सॉलिड ट्रिक है द्रव्यवाचक संज्ञा को पहचानने का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा
उस नाम को कहते हैं जो समूह यानी कि ग्रुप का बोध कराता हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ समूह, यानी कि वैसा नाम जो समूह का बोध कराता हो, मतलब जिससे पता चले कि वो कुछ चीजों का समूह है, एक ग्रुप है, ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नाम ही में क्या है, समूह। जैसे कि अगर मैं बोली भीड़, तो ये जो भीड़ शब्द है ना, इससे पता चल रहा है कि भीड़ जो है ना कुछ लोगों का समूह है, ठीक है ना। जैसे ही मैं भीड़ बोली होंगी तो आप लोगों के माइंड में कुछ लोगों का एक ग्रुप बन गया होगा, एक चित्र सा बन गया होगा आप लोगों के माइंड में, मतलब भीड़ आप लोगों को दिख गया होगा अपने माइंड में, ठीक है ना। तो जिस शब्द से ग्रुप यानी कि समूह का बोध हो उसको कहते हैं समूहवाचक। सेना, सेना से पता क्या चल रहा है कि सेना मतलब कि क्या, कुछ सिपाहियों का ग्रुप क्या कहलाएगा, सेना, मतलब कि सेना में कुछ लोग एक साथ है, ग्रुप दिखाया जा रहा है, ठीक है। सेना क्या है, एक ग्रुप को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो सेना क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह परिवार, परिवार से पता चल रहा है कि हाँ परिवार में एक से ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि कुछ लोगों का ग्रुप रहता है, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का ग्रुप हो, कुछ लोगों का ग्रुप या फिर कुछ चीज़ों का ग्रुप का जो है ना, उसका कोई ना कोई एक नाम दे दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। परिवार, ये कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक साथ घर में रहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या नाम दे दिया गया है, परिवार, ठीक है। तो परिवार क्या हो गया, समूहवाचक। उसी तरह गुच्छा, किसी भी चीज़ का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा भी हो सकता है, या फिर अंगूर का भी गुच्छा हो सकता है, अंगूर एक साथ कई सारे होते हैं, ठीक है ना, तो उसका गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया। तो गुच्छा पता, इस नाम से पता चल रहा है कि हाँ एक से ज़्यादा चीज़ों का ये समूह है, ग्रुप है, ठीक है ना। सभा, दल, गिरोह, ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये पांचों टॉपिक। तो फाइनली यहाँ पर पांचों प्रकार को आप लोग समझ गए, और पांचों का मैं ट्रिक भी लिख दी हूँ। समूहवाचक नाम से ही क्लियर है क्या है, समूह। समूहवाचक मतलब समूह, मतलब जिस नाम से समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक, जिस नाम से द्रव्य का बोध हो, पदार्थ, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ठीक है ना। उसी तरह भाववाचक है, यानी कि जिसमें अनुभव, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सके, देखा या फिर छुआ ना जा सके, उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। उसी तरह जातिवाचक नाम में है क्या है, जाति, तो जाति में लिख दी हूँ, ठीक है ना। तो ये चारों जो है ना, साफ साफ इनसे पता, इनके नाम से ही खुद पता चल जा रहा है, समूहवाचक समूह, द्रव्यवाचक द्रव, भाववाचक जिसमें अनुभव, जातिवाचक जिसमें जाति। एक यही है व्यक्तिवाचक, जो कि विशेष है, मतलब कि इससे, इन चारों से बिल्कुल अलग है, इसको स्पेशली आप लोगों को याद रखना है। स्पेशली से क्या याद रखना है कि व्यक्तिवाचक एक स्पेशल यानी कि विशेष खास नाम को कहते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये हो गया विशेष, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली पांचों कंप्लीट हो गया, और बाहर से थोड़ी सी इनवाइजिंग भी आने लगी। तो चलिए फटाफट आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। लेकिन उससे पहले, अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट लाइक कर दे, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों, छोटे बड़े भाई बहन, जितने भी आप लोग के रिश्तेदार हैं, चारों तरफ शेयर कर दे, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। बहुत ही एफर्ट, बहुत ही मेहनत करके मैं वीडियो शूट करती हूँ आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए उतना ज़्यादा मेहनत कर सकती हूँ, तो आप लोग एक छोटा सा काम हमारे लिए तो कर ही सकते हैं, लाइक करें और शेयर कर दें, बस बस और कुछ नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिए होंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।